स्टोरी हम लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें क्या क्या है स्टोरी में? बुक्स है, खिलौना है और स्टेशनरी है। स्टेशनरी, स्टेशनरीज, बुक्स, टॉय, ये सब। स्टोरी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये स्टोरी हमारा जो ब्रांड, हम लोग का प्राइमार्क में बहुत सारा बिजनेस है, बट दिस इज द मोस्ट पैशनेट बिजनेस। हमारे लिए इट इज़ नॉट लाइक अ बिजनेस, इट इज़ लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम। आई हैव माई सेल्फ बीन अ बुक लवर ऑल माई लाइफ, और मेरा हमेशा था कि कलकत्ता में एक अच्छा किताब का दुकान हो, एक अच्छा वो एक परिवेश हो जहाँ लोग आए, पढ़े और बुक रीडिंग बढ़े। जो हम लोग का बुक रीडिंग कम होता जा रहा है वो बढ़े, और उसके लिए पहले भी हमने क्रॉसवर्ड स्टोरी किया और हम स्टोरी को अब यहाँ शिफ्ट किए हैं। स्टोर में कम से कम 20,000 किताब है, 20,000 किताब के अलावा बैठ के पढ़ने का जगह है। मानुष जुदी चाहले कीन पे ना चाहले कीनते पर दरकार नहीं। एक छोटो सेल्फ सर्विस मतन कैफेटेरिया करा हबे, बच्चा देर जन्य खेलार जायगा आछे, गिफ्ट देवार जन्य गिफ्टेर सामानगुलो आछे, पेन आछे, स्टेशनरी आछे, कलरिंग बोई थेके अनेक जिनिस आछे। आमार धारणा आशार समय आने वाले टाइम में यहाँ का सॉल्ट लेक, नॉर्थ कलकत्ता का जितना लोग हैं, नॉट ओनली यहाँ का, मेन कलकत्ता से भी लोग यहाँ आएंगे, बुक पढ़ेंगे, इंजॉय करेंगे, खरीदेंगे, और मुझे उम्मीद है ये स्टोर बहुत अच्छा करेगा। अच्छा, अगला दिन में क्यों किताब का थोड़ा जो क्वांटिटी बढ़ेगा ना, 20,000 के अंदर ही रहेगा? देखिए, आदमी किताब अभी ऑनलाइन भी खरीदता है, बुक स्टोर में भी आके खरीदता है, किताब का सेल कम नहीं हुआ है, ठीक है। वो आदमी डिसाइड करेगा कि घर पे OTT में पिक्चर देखेगा, उसी तरह से ऑनलाइन पढ़ेगा, डिवाइस में पढ़ेगा कि आके पढ़ेगा। बुक्स का सेल बढ़ा ही है, बच्चा लोग में भी बढ़ ही रहा है, और आने वाला टाइम है मेरे हिसाब से बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। अच्छा, और आजकल प्रिय के बारे में क्या बताएगा? आजकल जो लड़का लोग जो है, लड़के लोग जो है, उन लोग किताब ज़्यादा नहीं पढ़ता है, उन लोग ज़्यादा तो मोबाइल में देखता है। नहीं, ऐसा नहीं, किताब पढ़ता है, ऑनलाइन भी देखता है,
क्योंकि किताब का सेल कम नहीं हुआ इंडिया में, सेल बढ़ा ही है, तो ऐसा नहीं है, किताब का सेल बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगी। पहले इंडिया में बेस्ट सेलर किताब 5,000-10,000 कॉपी होता था, अभी अच्छा अच्छा किताब 50,000 कॉपी, लाख लाख कॉपी भी बिक रहा है, तो आदमी पढ़ रहा है तो ही बिक रहा है। अभी जो छोटा छोटा लड़का लड़का देखते हैं आजकल किताब निकल रहा है, जो क्लास 10 में पढ़ता है, 9 में पढ़ाई करता है, 10 में 11 में पढ़ाई करता है, लेकिन अच्छा अच्छा नया नया किताब निकल रहा है, उन लोग आप लोग प्रोत्साहित कीजिएगा क्या? हम लोग तो करते हैं, हम लोग तो नया ऑथर को एक तो प्लेटफॉर्म भी देता है कि उन लोग आके अपना किताब लॉन्च करें, अपना गेस्ट लोग को भी बुला सके, प्लस हम लोग बुक रीडिंग का सेशन वगैरह भी ऑर्गेनाइज करता है। और देखिए पहले आदमी आप बोल रहे मतलब पढ़ता नहीं था, पढ़ रहा है और लिख भी रहा है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा ट्रेंड अपना सोसाइटी के लिए। फिर देखिए पहले आज से 15-20 साल पहले क्या था, जब हम लोग शुरू किया था तब 100 में से 90 किताब फॉरेनर ऑथर का होता था, आज 100 में से 40-50 किताब इंडियन ऑथर का। तो आप जितना एक बंगाली से रिलेट करेगा, एक इंडियन का स्टोरी से रिलेट करेगा, तो मेरे ख्याल से जितना जितना और नया ऑथर आएगा उतना ही बुक्स के लिए अच्छा है, उतना ही बुक स्टोर के लिए अच्छा है, उतना ही अपना कल्चर के लिए अच्छा है। यहाँ ज़्यादा किताब क्या मिलेगा, बंगाली इंग्लिश का? नहीं देखिए ज़्यादा तो इंग्लिश ही मिलेगा, बंगाली का भी रहेगा और ज़्यादा इंग्लिश का किताब रहेगा। नया राइटर की रहेगा बंगाली का, नहीं तो पुराना जो राइटर उनका सब रहेगा, सब रहेगा, पुराना भी रहेगा, नया भी रहेगा, सब रहेगा। ठीक है चलो I'm always at the edge, but I don't fall. এই পরিবেশে কেমন লাগছে স্টোরিতে এসে? এটা একটা অসাধারণ গিফট কলকাতায়, আজকে ঘটলো 22শে শ্রাবণ এবং এইরকম একটা স্টোর, স্টোরি তো স্টোরি এবং তার আগে ক্রসওয়ার্ড, কলকাতায় দীর্ঘদিনের পথচলা ভবানীপুরে ছিল এবং সেখান থেকে যখন মন্দ হয়ে গেল খুব মন খারাপ হয়েছিল, কিন্তু তারপর আবার এইটা একটা এই যে বইয়ের অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার একটা আনন্দ আছে এবং এত সুন্দর কালেকশন, এত সুন্দরভাবে স্পেস ইউটিলাইজেশন এবং কমপ্লিট মডার্ন বুক স্টোর, এটা বোধ হয় কলকাতায় ইটস আ ওয়ান্ডারফুল গিফট। তুমি তো নিজে বুক লাভার, তুমি এখান থেকে বই সংগ্রহ করবে? আমাকে মোটামুটি যারা আমার সম্পর্কে জানে তারা জানে যে দীর্ঘদিন ধরে আমার আর্ধেক বই এখান থেকে যায়, তো আবার স্টোরি ফিরে এসেছে যাবে। আচ্ছা এখন যারা পাঠক তার জন্য কি বলবে, আজকের যারা পাঠক? আজকের যারা পাঠক তারা গতকালেরও পাঠক ছিল, পাঠক কখনো বদলায় না, কারণ বইয়ের প্রতি ভালোবাসা কখনো বদলায় না। আমি শুধু বলবো যে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে যে একবার এসে এই জায়গাটা ঘুরে যাও, দেখো, বই ভালোবাসতে শেখো, বই ভালোবাসা মানে জীবনকে ভালোবাসো। ইটস আ ওয়ান্ডারফুল থিং।